हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलजेपी ऑटोमोबाइल। आज हम इंजन कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। तो आप सबने सुना होगा कि कोई ना कोई बोलता रहता है कि ऐसे कि मेरा बाइक का जो इंजन है वो 150 सीसी का इंजन है, मेरी गाड़ी का इंजन है 1200 सीसी का इंजन है, या तो बोलेगा आपकी 1.2 लीटर का इंजन है। ठीक है, तो ये इंजन कैपेसिटी क्या होती है, कैसे उनको मेजर किया जाता है, ठीक है, तो वो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करूँ, कैलकुलेशन करें, उनसे पहले बेसिक उनका डेफिनेशन सब स्टडी कर लेते हैं। तो जैसे आपको मैंने पहले लेक्चर में आईसी इंजन टर्मिनोलॉजी के वीडियो के अंदर बोला था कि इंजन का जो टीडीसी के ऊपर का वॉल्यूम होगा, ठीक है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन टीडीसी पॉइंट से ऊपर का जो वॉल्यूम होगा उनको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, और टीडीसी एंड बीडी के बीच में जो वॉल्यूम होगा उसे हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। तो इंजन कैपेसिटी मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अगर मल्टीपल सिलेंडर होंगे तो वहां पे वो नंबर ऑफ सिलेंडर से मल्टीप्लाइड होगा। याद रखो इंजन कैपेसिटी हम सीसी में बोलते हैं, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब कि जो कैलकुलेशन के अंदर हम डेटा यूज करेंगे वो डेटा का यूनिट होगा सीजीएस, मतलब सेंटीमीटर रहेगा। तो यहाँ पे हम दो डेटा यूज करेंगे, एक सिलेंडर बोर होगा और एक होगा स्ट्रोक लेंथ। याद रखो स्ट्रोक लेंथ सिलेंडर बोर दोनों यूनिट कौन से रहेंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तब जाके हमें वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा। ओके, सो इंजन डेफिनेशन, इंजन कैपेसिटी डेफिनेशन आपको क्लियर है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक्सक्लूडिंग दी क्लियरेंस वॉल्यूम, कंबशन चेंबर क्लियरेंस वॉल्यूम हमें कंसिडर नहीं करना। तो इक्वेशन देखते हैं उनका फॉर्मूला। तो इंजन कैपेसिटी के लिए जो टीडीसी और बीडीसी के बीच में डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ, और उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एन से। सिलेंडर का अंदर का जो डायमीटर होगा उसे मैं बोलूंगा सिलेंडर बोर, और उनको हम इंडिकेट करेंगे स्मॉल डी से, ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में रहेंगे। तो देखो कि अगर इनका डायमीटर सिलेंडर का डायमीटर डी और उनकी लेंथ एल है, ठीक है, तो उनका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ, यस और नो, और एरिया कितना होगा, पाई बाई फोर डी स्क्वायर, पाई बाई फोर डी स्क्वायर एरिया होगा इंटू एल। तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे तो आपको इंजन कैपेसिटी मिलेगी सिंगल सिलेंडर के लिए, लेकिन अगर मानो कि मल्टी सिलेंडर इंजन है तो वहां पे नंबर ऑफ सिलेंडर से आपको इनको मल्टीप्लाई करना रहेगा, ये याद रखना। और सेकेंड थिंग कि डायमीटर एंड सिलेंडर बोर डायमीटर एंड स्ट्रोक लेंथ दोनों कौन से यूनिट में रहेंगे, सेंटीमीटर में। चलो तो न्यूमेरिकल्स करते हैं, इनके बेसिस पे कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको गिवन डेटा है, सिंगल सिलेंडर इंजन बोला है और स्ट्रोक लेंथ गिवन है 57.8 mm, और उनका जो सिलेंडर बोर डायमीटर गिवन है दैट इज 57.3 mm। तो जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला कि सिलेंडर बोर डायमीटर एंड स्ट्रोक लेंथ दोनों कौन से यूनिट में रहेंगे, सेंटीमीटर में। सो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस डायमीटर एंड लेंथ इनटू सेंटीमीटर, सो डायमीटर विल बी 5.73 सेंटीमीटर एंड स्ट्रोक लेंथ विल बी 5.78 सेंटीमीटर। Now we will use simple equation of engine capacity pi by 4 d square l into number of cylinder. Remember current question is given that number of cylinder are 1, single cylinder engine hai, matlab n kiske barabar hoga, 1 ke barabar, sab ki value place karo, pi ki jagah pe 3.14, d square matlab diameter cylinder bore diameter 5.3 centimeter, unka square divide by 4 into stroke length kitni hai 5.78, तो ये जो वॉल्यूम मिलेगा वो मिलेगा 148.97 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्यूबिक कैपेसिटी, ये याद रखना है। और सेकेंड थिंग कि अगर आपको कोई पूछे कि लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, तो रिमेंबर वन थिंग, 1 cc इज इक्वल टू 1 ml, 1 cc कितने ml के बराबर होगा, 1 ml के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि 1200 cc इंजिन है, मतलब वो कितना होगा, 1.2 लीटर का इंजिन होगा, ठीक है। एक और कैलकुलेशन देखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला है कैलकुलेट द इंजन कैपेसिटी फॉर 4 cylinder इंजन हैविंग अ स्ट्रोक लेंथ ऑफ 82 mm एंड सिलेंडर बोर ऑफ 90.4 mm। अगेन हियर नंबर ऑफ सिलेंडर आर 4, स्ट्रोक लेंथ इज गिवन इन mm व्हिच इज इक्वल टू 82 mm एंड सिलेंडर बोर इज गिवन 90.4 mm। तो अगेन व्हाट वी विल डू, वी विल कन्वर्ट स्ट्रोक लेंथ एंड सिलेंडर बोर डायमीटर इनटू सेंटीमीटर। सो हियर D is equal to 82 mm, मतलब this will be 8.2 centimeter, and stroke length is equal to 90.4 mm, so this will be 9.04 centimeter, and last number of cylinder are
4. So again we are using the same equation, pi by 4 d square into L into number of cylinder. So if I replace the value, pi is equal to 3.14, d square, d is equal to 8.2 square and stroke length 9.04 into number of cylinder is equal to 4. So mujhe divide by 4, so answer will be 1908.65 cc. देखो ये सेंटीमीटर क्यूब में आपको वॉल्यूम मिला, ठीक है। अगर कोई पूछे कि कितना लीटर होगा, तो मैं बोल सकता हूँ 1.908 लीटर होगा, यस और नो। मैंने अभी आपको बोला 1 ml इज इक्वल टू 1 cc, मतलब कि 1000 ml इज इक्वल टू 1000 cc। क्लियर? तो ये सिंपल सा कन्वर्जन है, आप सबको ख्याल होना चाहिए। चलो एक और आपको कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देना है इसका, ठीक है। तो आपके लिए गिवन डेटा मैंने यहाँ पे रखा है कि इंजन कैपेसिटी फाइंड आउट करना है फॉर 6 सिलेंडर इंजन हैविंग अ स्ट्रोक लेंथ ऑफ 90.4 mm एंड सिलेंडर बोर ऑफ 82 mm। तो जल्दी से कैलकुलेटर लगाओ, इनका कैलकुलेशन करो और जो भी आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ठीक है। तो ऐसी और वीडियोज के लिए आप हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। थैंक यू।